यार अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है ना तो मील्स ना टेस्टी होने चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं लगनी चाहिए आपको ये बॉडी बिल्डिंग कि यार फिर से वही चिकन, फिर से वही राइस, फिर से वही सब कुछ। यार बॉडी बिल्डिंग करनी है, मारना थोड़ी अपने आप को। सो भाई मैं चिकन के साथ ना 10 से 15 क्रिएशंस करके अलग अलग चीज़ें बना सकता हूँ। दिस इज माई स्टाइल। वही बोरिंग फूड नहीं खाना है यार हमें बार बार, चिकन राइस, चिकन स्वीट पोटैटो। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करते हैं, क्योंकि हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, हमें लॉन्जेविटी चाहिए, हमें दूर तक जाना है, हमें अपने प्रोटीन कार्ब्स फैट्स को हमेशा बनाए रखना है, हमें ब्रेक नहीं चाहिए, हम ऐसे ना हो कि बोर होके चीट करने लग जाएं। तो इसलिए अपने मील्स को यार टेस्टी खाओ यार। ये बॉयल्ड फूड, ये फूड मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। व्हेन आई सी समबडी ईटिंग बॉयल्ड चिकन ब्रेस्ट, बॉयल्ड वेजिटेबल्स, क्यों भाई? आपको मैक्रोस नहीं पता? आपके यू शुड नो योर मैक्रोस, योर प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स। यू नीड ऑल ऑफ देम। यू नीड कार्ब्स फॉर एनर्जी, यू नीड प्रोटीन फॉर योर मसल्स, एंड यू नीड फैट्स फॉर योर ब्रेन फंक्शन, योर हार्ट फंक्शन, एवरीथिंग। तो भाई क्या बनाए आज? लेट मी थिंक। ओके सॉरी, तो मैं चिकन बना रहा हूँ, वही होम स्टाइल चिकन। ये ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने अभी क्या करा है, मैंने इसमें वेजीज सारी डाल के प्याज टमाटर का तड़का लगा के चिकन को कवर करके बना लिया है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी सी क्रिएशन करेंगे, अभी थोड़ा बनना बाकी है तो इसको बनाते हैं। थोड़ा कवर करके बना लो, अभी पानी है इसमें। मेरे पास है ये मल्टीग्रेन रैप्स, यह है मल्टीग्रेन आटे की रोटी। ठीक है भाई, इसमें आटा नहीं है, वो फ्लोर नहीं है, वीट फ्लार नहीं है, ये सारे मल्टीग्रेन है। इसमें रागी है, ये देखिए कितनी हल्की है, ये खुद ही टूटी जा रही है। मैंने पहले ठंडी बना के रख ली थी, तो अब मैं इसको तवे पे सेक के आपके लिए अच्छी सी रेसिपी बनाता हूँ। इसको बोलेंगे हम पंजाबी चिकन रैप। सो लेट्स वेट एंड वॉच। तो मैंने तवा गरम कर लिया है, और ये है मेरी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ये मैं इस पे लगाऊंगा थोड़ी सी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस इस पे। देखिए यार, मैं आपको पहले बता दूँ, ये मल्टीग्रेन रैप्स हैं, ये आटे के रैप नहीं हैं, ये रागी, ज्वार, ये इन इन चीज़ों से बना हुआ। आप आटा लेके इसका आटा गूंद के इसके रैप बना सकते हैं। कार्ब्स इसमें कम हैं, 100 ग्राम में सिर्फ 28 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स हैं। तो मेरे जो 3 रैप्स हैं वो 100 ग्राम के हैं, तो मैं अपने हिसाब से थोड़ी सी लगा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मेरे मेरे पास 3 रैप्स हैं, मैंने पहले बना के रख लिए थे, और मैं तीनों को गर्म कर लूँगा अच्छी तरह से रैप्स को। तो अगला इंग्रेडिएंट है मेरे पास ये ग्रीक योगर्ट। भाई दही मत लेना, वो दही से अच्छा नहीं बनेगा दही, क्योंकि बहुत फैलेगा, उसमें पानी बहुत होता है। बेटर है कि आप ग्रीक योगर्ट ही लें। इसको अच्छी तरह मैं स्प्रेड कर दूंगा, एक साइड पे, एंड ग्रीक योगर्ट में आपको आपका प्रोटीन भी काफी मिल जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन है और फैट्स बहुत कम रहता है इसमें, तो ग्रीक योगर्ट ही यूज करें। देखिए मेरा स्टाइल है, आप चाहे तो अपने स्टाइल से बना सकते हैं। तो ये मेरे पास खीरा, कैप्सिकम, थोड़ा सा टमेटोज, आप चाहें तो लेटस भी डाल सकते हैं, आई डोंट हैव इट राइट नाउ। मैं डालूंगा इस पे ब्लैक पेपर, यहाँ पे होगी, और रैप मेरा रेडी हो रहा है। ऐसे कि मैं 2 रैप बनाऊंगा, 2 या 3, तो मेरे को 3 रैप में मेरे को 30 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिलेंगे। पे डालूंगा सॉल्ट, आप चाहे तो पिंक सॉल्ट भी यूज कर सकते हो, लाइक दिस स्प्रिंकल। और अब जो हमारा चिकन है रेडी, ये 3 रैप के लिए काफी होगा, तो मैं हर एक रैप में ये फिल करूंगा, सो लाइक दिस। भाई दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्दी, क्योंकि चिकन भी मैंने ब्रोकली और कॉलीफ्लावर के साथ ही बनाया है, तो इतना बहुत है।
ज़्यादा डालूँगा तो वो फोल्ड नहीं होगा, बाकी मेरे पास अभी 3 रैप पड़े हैं तो थोड़ा डाल लेता हूँ। और एक मेरा ये रैप रेडी हो रहा है, और ऐसे कि मैं 3 रैप और रेडी कर लूँगा। दिखा दो मेरे रैप्स, ये रेडी हैं। एज यू कैन सी गाइस, दे आर वेरी हेल्दी, प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स, नो बुलशिट। और एक मेरा और रेडी हो रहा है, एज यू कैन सी मैंने रैप कर लिया इसको। आई होप आपको ये आइडिया मेरा अच्छा लगा होगा। चिकन एंड राइस से थोड़े पक गए होंगे आप, तो मल्टीग्रेन आटा लेके आइए, इसको गूंदिए और ऐसे की रोटियां बनाइए, यू गोना लव इट। ठीक है भाई, मायोनीज मत यूज़ करें, यूज़ ग्रीक योगर्ट, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन है। 100 ग्राम में आपको बता चुका हूँ 10 ग्राम प्रोटीन है, फैट्स बहुत कम है। तो प्लीज़ आटे से स्विच करके मल्टीग्रेन को यूज़ करें, चिकन सैलेड एंड सम ग्रीक योगर्ट। तो ये थी आज की रेसिपी, आई होप यू गाइस लाइक इट। जल्दी आऊँगा नई वीडियो के साथ। ये था पंजाबी चिकन आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।